भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा के एक प्रतिनिधि मंडल ने दलित उत्पीड़न के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन पेश किया। सोमवार को भावादस के प्रतिनिधि मंडल द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पेश किए गए ज्ञापन में कहा गया कि थाना मोड़ा पांडे के ग्राम गतौरा निवासी रवि के साथ होली के दिन गाँव के ही दूसरे संप्रदाय के लोगों ने मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। इसके अलावा थाना भगतपुर के ग्राम दौलपुरी वासी राधेश के साथ भी होली के दिन दूसरे संप्रदाय के लोगों ने गाड़ी से टक्कर मारी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। अजीत की रिपोर्ट दर्ज की गई, साथ ही रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई है। शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा के राष्ट्रीय मुख्य संचालक फकीर चंद नागवंशी ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। प्रतिनिधि मंडल में रोहित चंदेल राष्ट्रीय संचालक के अलावा मदन पाल, सहदेव और गजेंद्र सिंह भी शामिल रहे। आज भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा के द्वारा वरिष्ठ SSP मुरादाबाद को ज्ञापन दिया हम लोगों ने, जिसमें मोड़ा पांडे और भगतपुर में वाल्मीकि समाज के साथ मारपीट, गाली और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जबकि भगतपुर के अंदर मुकदमा कायम करने के बाद अभी दो अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी मांग के लिए हमने ज्ञापन दिया है। दूसरा मोड़ा पांडे के अंदर ग्राम कतौरा में वाल्मीकि समाज के व्यक्ति ढोल बजाने पर उसके साथ मारपीट करी, पथरा पड़ा। उसमें हमने कहा, चार लोगों को बताया कि चार लोगों की जिम्मेदारी की वजह से ये कहानी घटी है, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। और इस पर हमने बतानबाद सीओ साहब बैठे थे, सीओ साहब से बात हुई, उन्होंने जो है थाना मुंडा पांडे और भरतपुर के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश करें।